आपका स्वागत है। मैं विवेक बिंद्रा, मोटिवेशन स्पीकर और बिजनेस कोच। आज विजय शेखर शर्मा की पेटीएम कंपनी के बारे में बात करेंगे। कमाल की कंपनी है, 16 मिलियन ट्रांजैक्शंस रोज कर रही है, 30 करोड़ एक्टिव मोबाइल यूजर आज पेटीएम पे मूव कर चुके हैं। हमारे देश की सबसे बड़ी मोबाइल वॉलेट और मोबाइल पेमेंट ट्रांजैक्शंस की एक कॉमर्स प्लेटफॉर्म बन गया है, इसको बोलते हैं फिनटेक कंपनी। फिनटेक कंपनी क्या होता है? ये फाइनेंस प्लस टेक्नोलॉजी जब जुड़ जाता है तो बन जाता है फिनटेक कंपनी। आज भी देश में बैंक्स ऑनलाइन तो मूव कर गए, ऑनलाइन मूव करना तो सीख गए, लेकिन अल्टरनेट पेमेंट प्लेटफॉर्म्स को अडैप्ट नहीं कर पाए। आज भी बैंक ऑनलाइन होने के बावजूद लंबी लंबी लाइनों को खत्म नहीं कर पाए। बैंक आपको दुखी करते हैं, तंग करते हैं, अननेसेसरी चार्जेस लगाते हैं, इसीलिए जन्म होता है फिनटेक कंपनी का। और आज फिनटेक कंपनी की बात करेंगे, पेटीएम। पेटीएम ये शुरू में ही पहचान गया था कि भाई इतने सालों से इंटरनेट चालू हुआ है हमारे देश में और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म आ गए हैं, ऑनलाइन टू ऑफलाइन। ऑनलाइन माल बुक करो, कैश ऑन डिलीवरी, घर पे जाओ कैश ऑन डिलीवरी, एनईएफटी से पेमेंट करेंगे, चेक से पेमेंट करेंगे। इसने सोचा यार इंटरनेट आए हुए इतना टाइम हो गया, किसी ने आज तक मोबाइल से सीधा पेमेंट करने के बारे में सोचा ही नहीं, जिसके लिए इन्होंने बनाया मोबाइल वॉलेट, पे थ्रू मोबाइल, पेटीएम पे थ्रू मोबाइल। और इसने छुट्टे की समस्या खत्म कर दी। हाँ, इतना छुट्टे की समस्या होती थी पहले, दुकानदार के पास जाओ 4 रुपए बचेंगे आपको टॉफी दे देगा, टॉफी की जबरदस्ती की समस्या खत्म कर दी। पहली बार एक रेवोल्यूशन लेके आया, मन में बड़ा नोबल कॉज रखा। 16 बिलियन डॉलर की वैल्यूएशन वाली कंपनी, सबसे ज्यादा प्राइड इस बात ने महसूस करती है कि छोटा सब्जी वाला, ठेले वाला पेटीएम पे मूव कर चुका है। उसका ठेले को वो सुंदर बना के डेकोरेट करता है पेटीएम के क्यूआर कोड के साथ। 68% मार्केट शेयर के साथ सबसे आगे है। इसका राइवल नंबर 2 फ्रीचार्ज जो केवल 11% पे है, राइवल नंबर 3 एयरटेल जो केवल 5% पे है, मोबीक्विक, जियो मनी, फोन पे, ओला मनी, गूगल पे, इसके जैसी 40 फिनटेक कंपनी अभी बहुत पीछे रह गई। विजय शेखर शर्मा शुरू से ही बहुत तेज थे, लाइटनिंग स्पीड पे सोचते थे, मन की गति से सोचते थे। इनकी तेजी का एक उदाहरण यह है कि 14 साल की उम्र में इन्होंने 12वीं अपनी कंप्लीट कर ली। लेकिन ये एक गांव से, उत्तर प्रदेश के अंदर हिंदी मीडियम स्कूल से पढ़े थे ना, तो इनको आगे दिल्ली में आके इंजीनियरिंग करने में तकलीफ हो रही थी। 1 साल लगा करके एंट्रेंस की तैयारी करी। अब हिंदी और इंग्लिश किताबें साथ साथ रख के पढ़ते थे। पहले हिंदी में इंग्लिश में पढ़ते थे, उसका ट्रांसलेशन हिंदी में पढ़ते थे, डिक्शनरी साथ में खोलते थे, उसका ट्रांसलेशन पढ़ते थे। बहरहाल दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, प्रेस्टीजियस इंजीनियरिंग कॉलेज, इनका एडमिशन तो हो गया। शुरू से टॉपर रहने वाले विजय शेखर बड़े परेशान हो गए। टीचर वहां अंग्रेजी में पढ़ाता था, डीपीएस स्कूल के टॉपर वहां इसके साथ कॉम्पिटिशन में बैठे होते थे। आप डीसी ही समझ सकते हैं ना कि देश के या दिल्ली के कम से कम सबसे मेधावी छात्र वहां पहुंचते हैं। अब वहां पे जाके ये घबरा गया, अटेंडेंस इसकी लो होने लगी, फ्रंट बेंचर बैक बेंचर हो गया, टीचर से टेंशन में आ गया, क्वेश्चन का आंसर ना दे पाए। उस समय हार नहीं माना, इंग्लिश के अखबार पढ़ने शुरू किए, वोकैबुलरी इंप्रूव करनी शुरू करी, डिक्शनरी पर डिक्शनरी चाटता चला गया। विजय शेखर शर्मा की यही आदत कि अपने आप को कितना भी पीछे हो, मैं फर्स्ट मूवर नहीं फास्ट मूवर बन के दिखाऊंगा। ये फास्ट बने और बाद में अपने धंधे में फर्स्ट भी बने, फास्ट भी बने। अब तो ये हमारे देश के 74वें सबसे अमीर इंसान है, लेकिन शुरू में मोबाइल पेमेंट स्टार्ट करने के बावजूद बड़ी समस्या आ रही थी। समस्या क्या थी कि बार बार ओटीपी 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 ओटीपी, या फिर यूजर आईडी लॉगिन यूजर आईडी लॉगिन यूजर आईडी लॉगिन यूजर आईडी, ये मल्टीपल टाइम्स हर पेमेंट पे। इतने झंझट से छुटकारा पाने के लिए अलीबाबा से इंस्पायर होके प्री लोडेड वॉलेट का सिस्टम शुरू किया। एक बार वॉलेट में पैसा डाल दो, अब आराम से जिसको मर्जी पे करते रहो, ना तो यूजर आईडी पासवर्ड आपको बार बार झंझट करना, और ओटीपी ओटीपी का गेम खत्म। अब देखिए पेटीएम अपने कस्टमर से तो चार्ज करता नहीं, तो कमाता कहां से, ये बड़ा प्रश्न है। पेटीएम कमाता कहां से है? देखिए, एक तो पेटीएम कमाता है पेटीएम फॉर बिजनेस से। अगर आपकी ट्रांजेक्शन का वॉल्यूम बहुत बड़ा है तो 1.5% उस पर चार्ज कर लेगा सेलर से, 1.5% विच इज इंक्लूडिंग जीएसटी। मैं भी देता हूँ, मेरे भी जो कस्टमर्स हैं जो बाउंस बैक में आते हैं, लीडरशिप फनल में आते हैं, वो मुझे पे करते हैं और पेटीएम के थ्रू पे करते हैं, तो मैं 1.5% पेटीएम को देता हूँ विच इज इंक्लूडिंग जीएसटी। एक तो ये पेमेंट का तरीका हो गया। दूसरा, 30 करोड़ यूजर जो पेटीएम के प्लेटफॉर्म पे हैं उनको एडवर्टाइजर्स की एडवर्टाइजिंग दिखाता है, तो जो एडवर्टाइजर आता है वो भी पेटीएम को पे करेगा, क्योंकि आप उसकी ऐड देख रहे हैं ना, तो उससे या तो वो एनुअल सब्सक्रिप्शन ले लेगा या मंथली पे पर क्लिक वगैरह सिस्टम से उनको पे कर देगा। तीसरा, जो आप मोबाइल वॉलेट के अंदर पैसा बड़ा डाल के रखते हैं ना, उस पे ये उसकी एफडी करा के उस पे इंटरेस्ट भी कमा लेता है। जैसे अगर पेटीएम के पास 100 करोड़ रुपया आप सबका मोबाइल वॉलेट का पड़ा है, तो उस पे भी ये पैसा कमाता है, इंटरेस्ट की कमाई हो गई। और चौथा,
पेटीएम के प्लेटफॉर्म पे जितने भी लोग आ रहे हैं उनको तो सर्विस फ्री में देगा, पर उनको क्रॉस सेल और अपसेल करेगा अपने बाकी प्रोडक्ट पे, क्योंकि पेटीएम और भी कई चीज़ें कर रहा है, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे आ गया, अब इतने सारे प्रोडक्ट लाइन बिल्ड कर रहा है, एक सर्विस फ्री दे रहा है जिसपे सारी जनता आ रही है, बाकियों के लिए उनसे चार्ज कर रहा है। तो धीरे धीरे इतनी जनता बिल्ड कर ली, और मॉडल क्या है, जिसके पास जनता है उसकी दुनिया सुनता है। अच्छा, और आपके मन में ना एक प्रश्न आना चाहिए कि पेटीएम अपने कॉम्पिटिटर से इतना आगे कैसे निकल गया। देखिए, पेटीएम सबसे पहले ऑनलाइन मॉडल को ऑफलाइन मॉडल में लेके आया, इसको जरा समझिए। पेटीएम के जो मर्चेंट्स हैं, जो उनके जो लोग आप जाते हैं ना, सब्जी वाला, ठेले वाला, मोची है, नाई है, या कोई भी ऑटो वाला, रिक्शा वाला, इतना छोटा छोटा वेंडर का आप पेमेंट करना चाहते हैं तो उसके पास ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की कोई सुविधा नहीं है, कई बार उसके पास बैंक अकाउंट भी नहीं है, तो क्या किया जाए, पेटीएम वॉलेट से कोई भी, अगर रिक्शे वाला भी है, सब्जी वाला, ठेले वाला भी है, तो वो बिना बैंक अकाउंट के पेटीएम से जुड़ सकता है, बिना बैंक अकाउंट के पेटीएम से पैसा ले सकता है, बिना बैंक अकाउंट के पेटीएम से खर्चा भी कर सकता है। अब देखिए क्या है, क्योंकि फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर नीचे गरीब तबके तक बिल्ड नहीं किया जा सकता था, तो इसीलिए इसने ये कमाल का मॉडल बिल्ड किया। अंडरसर्व्ड और अनसर्व्ड जो सोसाइटी है, अंडर डेवलप्ड और अनडेवलप्ड जो सोसाइटी है देश की, उस सोसाइटी को जोड़ जोड़ के अचानक इतने बड़े हुए हैं, $16 बिलियन पे हैं, $100 बिलियन पे जाने का सपना रखते हैं। विजय शेखर शर्मा ने एक सुंदर सी शादी करा दी है। शादी किसकी हुई मालूम है आपको? बुलाया नहीं शादी में, बुलाया था, शादी करा दी पर्स की और मोबाइल की। ये कहते हैं जी, ईमेल मोबाइल में चला गया, कैमरा मोबाइल में चला गया, गाने में सब कुछ तो मोबाइल में चला गया, तो पर्स क्यों ना मोबाइल में चला जाए। तो इन्होंने पर्स को मोबाइल में लाने के लिए, इनकी लाइफ में एक बड़ा अरे वाह मोमेंट आया था चाइना में, चाहते हैं अरे वाह मोमेंट चाइना में। ये एक बड़े ग्रोसरी स्टोर में, एक सुपरमार्केट के अंदर, एक मॉल के अंदर गए थे, वहां देखा कि लाइन तो बड़ी लंबी थी, बहुत लोग लाइन में खड़े थे, लेकिन लाइन धड़ खत्म होते जा रही थी। ये देखा इतनी जल्दी लाइन कैसे खत्म हो रही है, एक्चुअली वहां पे किसी को पैसा नहीं देना, सबके मोबाइल के अंदर था QR कोड, जो मोबाइल ऐप डाउनलोड किया हुआ था ना उस दुकान का, जहां सब राशन खरीदते थे, सामान खरीदते थे, तो सब लाइन में आ रहे थे। और दुकानदार के पास क्या था जी, उसके पास इंफ्रास्ट्रक्चर था हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और स्कैनर का। वो आते, वो QR कोड को स्कैन कर लेता दुकानदार चाइना में, तो क्या हुआ जी, उसके मोबाइल से पैसा दुकानदार के पास आ गया और दुकानदार की ऑनलाइन रिसीट तुरंत उसके मोबाइल में चली गई। तो जी सारा टेंशन खत्म, लाइन धड़ खत्म हो रही थी। ये सोचा इंडिया में कैसे इंप्लीमेंट होगा, इतना हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, इतना QR कोड को स्कैन करने का सिस्टम इंडिया में छोटा दुकानदार नहीं रख पाएगा, ये मॉडल नहीं चलेगा। तब ये इंडिया में आए, इसको बोलते हैं अरे वाह मोमेंट। क्या किया, 180 डिग्री घुमा दिया, पूरा प्रोसेस उल्टा कर दिया। हर कस्टमर के पास जो स्मार्टफोन है उसमें कैमरा होता है, इसने सोचा वो QR कोड स्कैन कर सकता है, मैं ठेले वाले को, रिक्शा वाले को, ऑटो वाले को, मोची को, सब्जी वाले को QR कोड दे देता हूं, कस्टमर आएगा मोबाइल से स्कैन कर लेगा। उधर QR कोड कस्टमर के पास था चाइना में, स्कैनर दुकानदार के पास था, इधर इसने उल्टा कर दिया। क्यों? क्योंकि यहाँ लोगों के पास पैसा नहीं खर्च करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे देश का कमजोर। ये 180 डिग्री चेंज पूरा गेम चेंज कर गया। आपने मेरा आचार्य बालकृष्ण का वीडियो देखा था ना, वहां मैंने बालकृष्ण जी से एक प्रश्न पूछा था कि आप जितनी मर्जी भलाई कर लो, आपकी भलाई की उम्र आपकी अगली गलती होने तक ही है। जब इतना तेज चलते हैं ना विजय शेखर शर्मा, गलती होने की संभावना थी। डीमोनिटाइजेशन के दौरान ये बहुत तेज एक्सपैंड कर गए, 100-200-300% ग्रोथ तो ये हजम कर जाते, लेकिन 1000% की ग्रोथ हुई। प्रधानमंत्री वजीर आजम भी इनकी तारीफ कर गए, कस्टमर बहुत आ गया, इतना कस्टमर आ गया कि इनका कस्टमर केयर का कॉल सेंटर चलना बंद हो गया और लोग परेशान हो गए, कॉल सेंटर फोन करें वहां बात ना हो पाए, फोन करें घंटी बजे जाए बात ना हो पाए। लोगों ने ट्विटर पे इनकी भयंकर बुराइयां कर डाली, इतना कुछ लिख दिया इनके बारे में कि भाई चलेगा नहीं पेटीएम। लेकिन पेटीएम की अच्छी बात क्या थी, इंप्रूवमेंट साइकिल, कम ऑन क्या थी इंप्रूवमेंट। कई लोग बोलते हैं विजय शेखर शर्मा लक्की थे इसलिए डीमोनेटाइजेशन के चक्कर में चल गए, ऐसा नहीं है सर, वो लकी नहीं थे, वो हर एक अपॉर्चुनिटी को ध्यान से देखते, अपॉर्चुनिटी तो सबके पास थी ना, लकी मैं और आप क्यों नहीं हुए, सिंपल सी बात है। वो हर अपॉर्चुनिटी को बहुत ध्यान से देखते थे और वही डीमोनेटाइजेशन में उन्होंने कई जंप ली, छोटी छोटी गलतियां बहुत हुई, इसको बोलते हैं इंप्रूवमेंट साइकिल। जब आप बढ़ाते हो एजिलिटी तो आपको साथ में चाहिए स्टेबिलिटी, ये एजिलिटी तो हो रही थी, आगे बढ़ रहे थे, पीछे स्टेबल करने के साथ साथ कोशिश कर रहे थे। टेक्नोलॉजिकल ग्लिचेस भी आए इनके यहां, इनके यहां कई फ्रॉड भी हुए, पीछे CBI ने एक इंक्वायरी में
इन्हीं के कुछ एम्प्लॉयज़ को 20 लाख रुपए का घपला करने के लिए, पेटीएम का पैसा चोरी करने के लिए उनको पकड़ लिया था। ये सब जो तकलीफें आई, लेकिन ये मैं बहुत पसंद करता हूँ विजय शेखर को, इतनी तेज स्पीड और पीछे स्टेबल भी करते जा रहे हैं, स्टेबल भी करते जा रहे हैं, करते कैसे हैं, इसको बोलते हैं एजिलिटी प्लस स्टेबिलिटी। ये मैं लीडरशिप फनल के फ्रेमवर्क से बहुत डिटेल में समझाता हूँ, आगे बढ़ने के साथ साथ पीछे वाले को रोकना स्टेबल कैसे करना है। एजिलिटी अगला स्टेप, अब इसको स्टेबल करो, एजिलिटी फिर अगला स्टेप, अब इसको स्टेबल करो, एजिलिटी स्टेबिलिटी, ये स्टेप बाय स्टेप चलने का मॉडल विजय शेखर शर्मा ने करके दिखाया है। उन्हीं दिनों शुरू में एडवर्टाइजिंग कैंपेन में जल्दी में पूरा कस्टमर को पकड़ने के चक्कर में इनका कैंपेन में गड़बड़ हो गई। लोगों को क्या बोले, ड्रामा मत करो, पेटीएम करो। लोगों को बुरा लग गया, हम ड्रामा करते हैं, तो उन्होंने इसको चेंज कर दिया तुरंत, चिंता मत करो पेटीएम करो। दीदी हमारी चिंता ना करो, पेटीएम करो। झिक झिक मत करो, पेटीएम करो। झिक झिक क्यों, पेटीएम करो। गोली देना बंद करो, एक स्कैन में डन करो। गोली देना बंद करो, बस एक स्कैन में डन करो। छुट्टे का झंझट बंद करो, पेटीएम करो। छुट्टे के झगड़े, अरे छुट्टे नहीं है सर, 500 ही है, तो पेटीएम कर दीजिए। बार्गेन जी भर करो, अपने प्राइस पे डन करो, पेटीएम करो। बार्गेन जी भर करो, अपने प्राइस पे डन करो, पेटीएम करो। इनकी ये सारी इमोशनल राइमिंग वर्ड्स के जिंगल लोगों को याद हो गए, करो करो करो, एटीएम नहीं पेटीएम करो, ये बंद करो पेटीएम करो, ये मत करो पेटीएम करो। वो जिंगल जो थे ना राइमिंग वर्ड के, लोगों को याद रह गए। अब ये आगे बढ़ रहे थे तेजी से और लोग बड़े इनके साथ चलने लगे। इनसे गलती क्या हो गई थी, ये पेटीएम का जो कलर स्कीम था वो पेपैल के जैसा था। पेपैल का कलर स्कीम इनके लोगों जो ना आपस में मिलते थे। अब आ गया पेपैल को गुस्सा, ये दुनिया की सबसे बड़ी ऑनलाइन पेमेंट कंपनी, ये आकर के इनके सर पे चढ़ गई, भाई तूने कैसे मेरी कलर स्कीम कॉपी करी, मैं दुनिया का सबसे बड़ा और तू बैठा है इंडिया में, तो तूने। अब उसने इसके ऊपर जो हाथ धो के पीछे पड़ा कोर्ट में कर दिया बहुत बड़ा केस। विजय शेखर शर्मा उनको कहते हैं, भाई मेरी बात सुन, मेरे को तेरे से कोई फायदा नहीं, तू दुनिया में बड़ा होगा, तू इंडिया में कहीं दिखता नहीं, मैं इंडिया में बड़ा हूं, दुनिया में अभी मैं जाता नहीं, तो तेरा मेरा क्या झगड़ा आपस में। कोर्ट में केस अभी भी चल रहा है, जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं तकलीफा आपका पीछा नहीं छोड़ती। व्हाट आई लाइक अबाउट हिम इज कि इतनी सारी तकलीफों को संभालते हुए ये स्पीड को रोके नहीं। आप क्या सोचे, छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारी हैं। फ्रॉड और चार्ज बैक की प्रॉब्लम अपने आप में बहुत बड़ी है। इसके लिए ये एक ऑनलाइन सॉफ्टवेयर बिल्ड कर रहा है, फेस रिकॉग्निशन, जैसे फेसबुक कर रहा है ना फेस रिकॉग्निशन, ताकि ये सारे लफड़े खत्म हो जाएं। क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन ठीक कर रहा है, क्योंकि दुनिया भर में जब क्रॉस बॉर्डर होता है वो बड़ा स्लो, इनएफिशिएंट और एक्सपेंसिव पड़ता है। कार्ड डेटा सिक्योरिटी से हमेशा कैसे बचे उसके बारे में सोच रहा है। मल्टी करेंसी, जब लोग दूसरे दूसरे देशों से पैसा भेज रहे हैं तो अलग अलग करेंसी में भेजते हैं, उनके पेमेंट मेथड अलग होते हैं, तो उसमें कहीं रेगुलेटरी प्रॉब्लम आती है उसको भी मैनेज कर रहे हैं, और नए नए टेक्निकल इंटीग्रेशन करने पड़ते हैं, क्योंकि ये जो ऑनलाइन पेमेंट का एक प्रोप्राइटरी यूनिवर्स है ना, इसमें बहुत सारे सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर चाहिए। 7,500 लोगों की टीम है, कोई छोटी टीम नहीं है, ताकि ये सारे नए इंटीग्रेशन ऐड करते रहें, इनोवेशन में सबसे आगे रहें। देखते ही देखते सफलता की असली बड़ी छलांग तो तब लगी जब चाइना का शेर जैकमा अलीबाबा के साथ भारत आया और क्या बोला, भाई विजय शेखर शर्मा 40% शेयर हो गए मेरे, ले लो पैसा पकड़ लो। जैकमा के आने के बाद रतन टाटा पीछे नहीं रहे, रतन टाटा भी आए, बोले कुछ माइनॉरिटी स्टेक मेरे को भी दे दो, रतन टाटा आ गए। और असली रजनीकांत स्टाइल एंट्री तो तब हुई जब बर्कशायर हैथवे, दुनिया का सबसे बड़ा हाथी, कौन, वॉरेन बफे आ गए, भारत की पहली कंपनी और दुनिया की पहली टेक्नोलॉजी कंपनी जिसमें आकर के इन्होंने पैसा लगाया। सब जानते थे वॉरेन बफे कभी टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनी में पैसा नहीं लगाते, वॉरेन बफे कभी इस प्रकार के स्टार्टअप में पैसा नहीं लगाते, ये राकेश झुंझुनवाला, वॉरेन बफे, ये थोड़ी अलग तरह की, इनको टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनी, मोबाइल ऐप बेस्ड कंपनी पसंद ही नहीं, लेकिन ये पहली बार हुआ और ये दुनिया में छा गए। अब मैं एक बात बताऊं आपको, वो अलीबाबा के जैक मा, रतन टाटा, वॉरेन बफे, जिनसे ये जिंदगी भर सेल्फी खिंचाने का सपना देखते थे ना, वो आज इनके बोर्ड में इनके साथ वाली कुर्सी पे बैठेंगे। मेरी बात समझ आ रही है आपको? मार्केट से इन्वेस्टमेंट लेना बहुत बड़ी बात नहीं है। लीडरशिप फंड में लोग मेरे पास आते हैं, कहते हैं हमें पैसा चाहिए, कैश चाहिए। एक प्रॉमिस कर दूं आज आपको इस वीडियो में, आप आइए हमारे प्लेटफॉर्म पे, फोन करके पूछिए। अब हमारे पास में स्टार्टअप इकोसिस्टम को बिल्ड करने के लिए कई इन्वेस्टर जुड़ गए हैं, उनको आपकी तलाश है। अगर आपके आइडिया में, अगर आपके बिजनेस में दम है तो वो आपसे आकर के मिलेंगे, आपके बिजनेस को इवैल्यूएट करेंगे, आइडिया को इवैल्यूएट करेंगे। छोटा मोटा पैसा आज 2-4-5-10 करोड़ रुपया मिलना तो बहुत आसान हो गया है। इन्वेस्टर आप जैसे लोगों की तलाश करते हैं, और मैं लीडरशिप फनल में यही इकोसिस्टम बिल्ड किया है कि आप कई तरह के स्टार्टअप इकोसिस्टम को मदद करने के लिए एंजल इन्वेस्टर,
या VC वेंचर कैपिटलिस्ट, ये आते हैं हमारे पार्टिसिपेंट से मिलते हैं और देखते हैं क्या उनको पैसा मिल सकता है, कईयों को सफलता मिल रही है। यही बोर्ड लाइन नंबर पर फोन करने में तो आपका पैसा नहीं लगेगा ना कुछ, अभी मिलाइए फोन, पता लगाइए, सीट्स लिमिटेड हैं। और अगर आप 4 घंटे का प्रोग्राम अटेंड करना चाहते हैं बाउंस बैक, तो उसका नंबर अलग है। एक बात कहूं, आसान नहीं होता इतने वीडियोज बनाना मेरे टफ शेड्यूल में, लाइक करके उत्साह बढ़ाइएगा प्लीज, सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन हिट नहीं किया आपके तक वीडियो पहुंचेगा नहीं, लर्निंग छूट जाएगी। इसी लर्निंग के द्वारा विजय शेखर शर्मा जैसे भारत में पावरफुल एंटरप्रेन्योर्स की बहुत जरूरत है। पता नहीं किसी को क्या आइडिया आ जाए, वीडियो से शेयर कर दीजिए ना, कर दीजिए फटफट फटफट, इधर उधर के कितनी चीजों को कंटेंट को आप शेयर करते हैं, लर्निंग बेस्ड कंटेंट को शेयर करेंगे तो लोग आपकी तारीफ भी करेंगे। कमेंट बॉक्स में लिखिए अगला वीडियो किस सिस्टम के ऊपर, किस ब्रांड के ऊपर, किस कंपनी स्टार्टअप पे बनाऊं। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए, हर बार वापस आके वीडियोस को देखने के